नमस्कार प्यारे दोस्तों कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में इस स्वास्थ्य माला के अंतर्गत मैं डॉक्टर दिलीप नलगे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं पिछले एपिसोड में हमने पानी के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे आपसे शेयर की तो इसमें जैसे ये पता चला कि बहुत ज़्यादा पानी पीना जैसे कि हम सुनते रहते हैं कि दिन में इतने लीटर पानी पीना चाहिए कम से कम उतने लीटर पानी पीना चाहिए और सुबह सुबह उठ के भी तीन से चार ग्लास पाँच ग्लास पानी पीना चाहिए ये जो हमारे मन में जो पानी के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसके बारे में आपको काफी कुछ बातें पिछले एपिसोड में जानने को मिली उसके साथ साथ जैसे हम अभी आहार का ये चल रहा है आहार के बारे में तो आहार की जब हम बात करते हैं आहार का जो डाइजेशन होता है तो उसके तीन पार्ट होते हैं तो एक तो स्थूल पार्ट जो होता है जो ग्रॉस पार्ट दूसरा मध्यम पार्ट और तीसरा सूक्ष्म भाग तो जो स्थूल भाग होता है वो मल और मूत्र के रूप में शरीर के बाहर निकाला जाता है जो मध्यम जो भाग होता है वो उससे धातुओं का नरिशमेंट होता है हमारे शरीर में जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये सप्त धातुएं हैं जो शरीर का धारण करते हैं उनका नरिशमेंट ये मध्यम जो भाग है उससे होता है और जो सूक्ष्म भाग है अन्न के डाइजेशन के बाद खाने के डाइजेशन के बाद जो सूक्ष्म भाग जो बनता है उससे हमारे मन का पोषण होता है जी हाँ दोस्तों हम जो खाना खाते हैं जैसा खाना खाते हैं वैसा हमारे मन के ऊपर उसका असर पड़ता है इसलिए आप सभी ने ये बात तो सुनी होगी जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन जैसा पियो पानी वैसी होती है वाणी तो इसीलिए हम जब कोई भी आहार लेते हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करने वाला है और साथ में मन को भी प्रभावित करने वाला है तो उस समय हमें जागरूक रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है वैसे तो आहार के तीन प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में बताए हुए हैं एक तो सात्विक आहार राजसिक आहार और तामसिक आहार तो इसको हम आज के विज्ञान के भाषा में ऐसा कह सकते हैं हाई एनर्जी फूड सात्विक आहार जो होता है वो एनर्जी हमें ज्यादा देता है शरीर और हमारे मन को राजसिक आहार और तामसिक आहार ये लो एनर्जी लेवल फूड्स में आते हैं राजसिक की एनर्जी सात्विक से कम होती है और तामसिक आहार की तो सबसे कम एनर्जी होती है तो इसीलिए ये बात हम ध्यान में रखें हमें ये पता होना भी बहुत आवश्यक है कि कौन सा आहार तामसिक श्रेणी में आता है कौन सा राजसिक श्रेणी में आता है और कौन सा सात्विक श्रेणी में आता है प्यारे दोस्तों आप सभी ने ये जो शब्द सुने इसके पहले भी आपने सुने होंगे लेकिन आज आपको इसको ज्यादा से ज्यादा इजी वे में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा देखिए सत्व शब्द से सात्विक शब्द बना है रज इस शब्द से राजसिक शब्द बना है और तम या तमस इस शब्द से तामसिक शब्द बना है तो तम का अर्थ होता है अंधकार तम का अर्थ होता है जड़त्व तम का अर्थ होता है गुरुता रज क्या करता है रज जो है वो चंचलता उत्पन्न करता है चंचलता के साथ साथ फ्रिक्शन क्रिएट करता है ये रज गुण का काम होता है ये तीन गुण होते हैं सत्व रज और तम ये तीन गुणों से मिलकर सृष्टि का निर्माण बताया जाता है तो ये जो रजोगुण है ये चंचलता उत्पन्न करता है तमोगुण जो है ये अज्ञान को बढ़ावा देता है नींद को लाता है गुरुता होती है उसमें आवरक होता है और सत्व गुण जो होता है वो हल्का होता है प्रकाश देने वाला होता है ज्ञान की तरफ ले जाने वाला होता है इसीलिए कारिका में इसके बारे में बहुत सुंदर रीति से महर्षि सांख्य ने बताया है सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम सत्व गुण जो है वो लघु माना हल्का होता है और प्रकाश देने वाला होता है और इष्ट माना सबके लिए कल्याणकारी होता है सबके लिए अनुकूलता उत्पन्न करने वाला होता है रजोगुण के बारे में बताया उपस्टम्भकम चलम च रजा उपस्तंभक उपस्तंभक का मतलब है संघर्ष या फ्रिक्शन क्रिएट करने वाला और चल माना चंचलता उत्पन्न करने वाला तो ये रजोगुण का काम होता है और तमोगुण के लिए कहा है तमोगुरु वर्णकम एव तो तमोगुण जो है वो गुरु होता है जड़त्व उत्पन्न करता है और आवरक होता है ज्ञान के ऊपर आवरण डालता है और अज्ञान को बढ़ावा देता है सबको अज्ञान नींद में धकेल देता है तो प्यारे दोस्तों हम हमेशा जब प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय तो तमसोमा ज्योतिर्गमय माना क्या कि हम जो तमस में हैं तमोगुण के प्रभाव में हैं हमें सत्वगुण की तरफ ले चलो प्रकाश की तरफ ले चलो ज्योति की तरफ ले चलो तो एक तरफ तो हम भगवान को हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि हमें तमोगुण से सत्वगुण की तरफ ले चलो लेकिन क्या हम आहार अपना खाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम सत्वगुण वाला आहार खा रहे हैं कि तमोगुण वाला आहार खा रहे हैं गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि तामसिक आहार किसको कहा जाता है तामसिक आहार उसको कहा जाता है जो भी मांसाहार का सेवन करते हैं ये तामसिक आहार की श्रेणी में आता है जो मदिरा पान करते हैं अलग अलग व्यसन करते हैं ये भी सब तामसिक आहार की श्रेणी में आ जाता है जो बचा हुआ है सड़ा हुआ आहार है जो आ, बासी आहार जिसको हम कहते हैं जैसे रात का बचा हुआ सुबह का सुबह जो खाते हैं जिसको बासी कहते हैं बहुत समय से पड़ा हुआ ऐसा आहार है ये सब तमोगुण या तामसिक आहार के श्रेणी में आते हैं फिर रजोगुणात्मक आहार किस प्रकार का होता है तो रजोगुण माना जो चंचलता मन में उत्पन्न करे मन के चल गुण को बढ़ाए चंचलता को बढ़ाए तो जैसे प्याज लहसुन खाते हैं तो ये रजोगुण और तमोगुण को बढ़ावा देता है उसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा मसाले वाला एकदम चटपटा तीखा इस प्रकार का या बहुत ज्यादा खट्टा ये सब जो प्रकार का आहार होता है जैसे आजकल की जो फास्ट फूड होते हैं या अचार खाते हैं ये सब जो चीजें हैं ये राजसिक आहार के श्रेणी में आती है या बहुत ज्यादा तीखा बहुत ज्यादा मसाला जिसमें डला हुआ है ये सब राजसिक आहार के श्रेणी में आते हैं तो जीव के लिए तो अच्छे लगते हैं वो लेकिन मन की चंचलता को ये बढ़ावा देते हैं और तीसरा जो हाई एनर्जी फूड जिसको कहा जाता है जिसको सात्विक आहार की श्रेणी में रखा गया है तो जैसे हम दूध या दूध के जो भी पदार्थ लेते हैं शाकाहार का सेवन करते हैं शाक सब्जियां जितनी भी हैं या फल हम खाते हैं फलों का सेवन करते हैं तो ये सारी चीजें जो है सूखे मेवे हैं ये सारी चीजें सात्विक आहार की श्रेणी में आती है तो इसीलिए हमें आहार ग्रहण करते समय इस बात का ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि हम जो आहार ले रहे हैं क्या हम हाई एनर्जी फूड ले रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार का आहार लेंगे हम उसका वैसा ही असर हमारे शरीर के साथ साथ मन के ऊपर भी पड़ने वाला है तो अगर आप अपने आप को एनर्जेटिक बना के रखना चाहते हैं सारे दिन भर पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो आपको अपना आहार भी वैसा सेलेक्ट करना होगा चॉइस आपके हाथ में है प्यारे दोस्तों मेरा तो काम है कि उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना बाकी अपने आप को कैसा रखना है अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है ये तो हरेक के हाथ में होता है तो इसीलिए ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बात अपने उपनिषदों में भी कही गई है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति क्योंकि जितना जितना शुद्ध आहार हम लेते हैं सात्विक आहार लेते हैं उससे मन की शुद्धता बढ़ने लगती है मन की एनर्जी लेवल बढ़ने लगती है और उसका हमारे स्मृति के ऊपर भी असर आने लगता है तो स्मृति भी हमारी स्थिर होने लगती है स्मृति या मेमोरी भी हमारी इंप्रूव होने लगती है हमारे पूरे पर्सनैलिटी के ऊपर उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव असर आने लगता है तो इसीलिए ये मैंने आपको तीन प्रकार के आहार बताए और उसके साथ साथ जब हम आहार का ग्रहण करते हैं तो आहार लेते समय हमारे मन की स्थिति कैसी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कई बार मैं देखता हूं कि खाना खाते समय कुछ लोग टीवी देखते हैं सीरियल्स देखते हैं और खाना खा रहे होते हैं कुछ लोग पेपर पढ़ रहे होते हैं न्यूज़पेपर और खाना खा रहे होते हैं कुछ लोग मोबाइल के ऊपर कुछ चैट करते हुए खाना खा रहे होते हैं तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि खाना खाते समय हमारे मन की स्थिति जैसे होती है तो उसका वैसा असर उस भोजन के ऊपर पड़ता है कई बार सही आहार लेने के बावजूद सही मात्रा में आहार लेने के बावजूद भी अगर हमारा मन डरा हुआ है जैसे हम कोई नेगेटिव न्यूज पढ़ रहे हैं तो उसका असर तो हमारे ऊपर होता ही है डर लगता है चिंता मन में उत्पन्न होती है कोई सीरियल देखते हैं तो सीरियल में भी तो पॉजिटिव चीजें तो ज्यादा होती नहीं है जो भी हम देखते हैं वो एक प्रकार से हम उसको ग्रहण कर रहे हैं हमारा मन उसको ग्रहण कर रहा है उसको खा रहा है तो इसलिए हम मन को कैसा भोजन दे रहे हैं शरीर को भोजन जो दे रहे हैं उस समय मन कैसा भोजन ले रहा है इसीलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है भोजन करने से पहले हम अपने मन को शांत कर ले स्थिर कर ले एकाग्र कर ले और उसके बाद हम आहार का सेवन करें इसको आयुर्वेद में कहा है एकाग्र मनसा भुंजित या तन भुंजित एकदम तन्मय होके उस भोजन का आनंद लेते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए उस भोजन को अगर हम सेवन करते हैं तो उसका बहुत अच्छा असर हमारे शरीर के ऊपर और हमारे मन के ऊपर पड़ता है प्यारे दोस्तों इसके साथ साथ ये बात समझना भी बहुत आवश्यक है कि भोजन बनाते समय भी भोजन बनाने वाले के मनस्थिति का असर उस आहार के ऊपर अन्न के ऊपर पड़ता है इसीलिए भोजन जो भी बनाते हैं वो भी ये ध्यान रखें कि भोजन बनाते समय हम बहुत ही शांत चित्त से और बहुत ही आनंद से बहुत खुशी खुशी से भोजन बनाए तो खाने वाले के ऊपर भी उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा वो एनर्जी लेवल खाने की बढ़ जाएगी बढ़ाएगा तो इसलिए पहले के जमाने में लोग क्या करते थे भोजन बनाते समय भी ये सावधानी रखते थे कम से कम स्नान करने के बाद क्योंकि स्नान करने के बाद मन एकदम फ्रेश होता है एकदम पॉजिटिव विचार होते हैं मन में तो स्नान करने के बाद किचन में प्रवेश करते थे और भोजन बनाते थे दूसरा खाना खाते समय भी आपने देखा होगा अपने दादाजी को या जो पुराने जमाने के लोग वो क्या करते थे भोजन सामने आते ही कोई ना कोई एक श्लोक बोलते थे भगवान का शुक्रिया करते थे कहते थे कि हे hey भगवान आपका मैं बहुत शुक्रगुजार गुजार हूं कि आपने मुझे ये भोजन दिया क्योंकि इस पृथ्वी पर ऐसे कितने लोग हैं जिनको एक टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता है तो इसीलिए भगवान का थैंक्स कहते हुए उस ईश्वर का थैंक्स कहते हुए अगर उसकी स्मृति में हम अगर भोजन का ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से उसका बहुत अच्छा असर हमारे मन पर पड़ता है प्यारे दोस्तों आपने देखा होगा एक होता है होटल में बना हुआ भोजन दूसरा होता है माँ के द्वारा बना हुआ भोजन और तीसरा होता है मंदिर में बना हुआ प्रसाद तो देखिए होटल में बना हुआ भोजन थोड़े समय के लिए तो हमें अच्छा लगता है टेस्टी लगता है लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आपको दो तीन महीने तक सुबह शाम वही होटल का भोजन खाना है तो क्या होगा अच्छा नहीं लगेगा ना तो माँ जो प्यार से भोजन बनाती है वो खाने में कितना मजा आता है क्योंकि उसकी एनर्जी वैसे होती है और जो मंदिर में जो बनता है प्रसाद वो तो थोड़ा सा भी हम ग्रहण करते हैं तो उससे हमें कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है क्योंकि मंदिर में वो प्रसाद बनाते समय बनाने वाले के मन में ये होता है कि ये मैं भगवान का प्रसाद जो है वो बना रहा हूँ भगवान का भोग बना रहा हूँ तो उन श्रेष्ठ विचारों का असर उस भोजन पर पड़ता है तो इसीलिए भोजन बनाते समय भी ये सावधानी रखें और भोजन खाते समय भी इधर उधर देखने के बजाय आपस में बातचीत करते हुए खाने के बजाय टीवी देखते हुए मोबाइल पर बात करते हुए या न्यूज़पेपर पढ़ते हुए खाने के बजाय मन को एकदम शांत स्थिर एकाग्र कर लें और मन को एकाग्र करके फिर उस भोजन को ग्रहण करना शुरू करें केवल इतना अगर आप परिवर्तन कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ ही दिनों में अपने हेल्थ में उसका इफेक्ट नजर आने लगेगा इसको आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से और बहुत डिटेल में बताया हुआ है तो अभी तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आज के इस एपिसोड में हमने मुख्य रूप से आहार के तीन प्रकार देखे एक तो हाई एनर्जी फूड सात्विक आहार फिर उसके बाद लो एनर्जी फूड राजसिक और तामसिक आहार तो कम से कम हम हाई एनर्जी वाला आहार लें भोजन बनाते समय भी ये सावधानी रखें कि हमारे विचारों का असर भोजन पर पड़ने वाला है और भोजन ग्रहण करते समय भी हम भगवान की याद में या मन को शांत और स्थिर एकाग्र करके भोजन का आनंद लेते हुए उस भोजन को ग्रहण करें तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और नई नई जानकारियों के साथ आप सब स्वस्थ रहे खुश रहे प्रसन्न रहे Om shanti